हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस इज द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल -π/2 टू +π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एल एन ऑफ पाई माइनस एक्स बाय पाई प्लस एक्स इंटू में कोसाइन एक्स डी एक्स इज। हमें गिवन इंटीग्रेशन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ दैट लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम सिंपली इवन एंड ऑड फंक्शन, इवन एंड ऑड फंक्शन कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे कि इफ यू हैव बीन गिवन दैट द इंटीग्रेशन ऑफ -a to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। सो दिस विल बी गोज टू, यदि फंक्शन इवन होगा तो उसका इंटीग्रल सिंपली टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। इफ एफ ऑफ एक्स इज इवन और एल्स इट विल बी 0 इफ एफ ऑफ एक्स इज ऑड। सो बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशंस। सबसे पहले तो हम गिवन इंटीग्रेशन को मान लेते हैं आई। इट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 टू +π/2। एंड ये जो कोसाइन ऑफ एक्स डीएक्स है इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन को सेपरेट कर देते हैं। सो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर कोसाइन ऑफ एक्स डीएक्स प्लस में इंटीग्रेशन -π/2 टू +π/2 इंटू में नेचुरल लॉग ऑफ पाई माइनस एक्स एल एन ऑफ पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय द पाई प्लस एक्स इंटू कोसाइन ऑफ एक्स डी एक्स। नाउ वी विल चेक वेदर द फंक्शन इज इवन एंड ऑड। सो इवन को चेक करने के लिए हम मान लेते हैं कि ये वाला जो फंक्शन है वो एफ वन ऑफ एक्स के इक्वल है एंड इट इज नथिंग बट इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कोसाइन ऑफ एक्स। सो यदि मैं एक्स को रिप्लेस कर दूं माइनस एक्स तो हो जाएगा माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू में कोसाइन ऑफ माइनस एक्स। सो कोसाइन फंक्शन इज अ इवन फंक्शन, सो वो तो कोसाइन ऑफ एक्स हो जाएगा लाइक माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा। दैट मीन्स यू आर गोइंग टू गेट एफ वन ऑफ एक्स। सो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ वन ऑफ एक्स है, दैट मीन्स टू से इट इज एंड इवन फंक्शन। ये एक इवन फंक्शन है। उसी तरीके से इसको हम मान लेते हैं एफ टू ऑफ एक्स। सो इसके लिए हम इवन एंड ऑड चेक करते हैं वेदर इट इज इवन और ऑड। सो एफ टू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एन ऑफ पाई माइनस एक्स पर ये एल एन ऑफ पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय पाई प्लस एक्स इंटू में कोसाइन ऑफ एक्स डी एक्स है। सो हम एक्स को रिप्लेस कर देंगे माइनस ऑफ एक्स से। सो दिस विल बी इक्वल टू एल एन ऑफ पाई माइनस माइनस विल गेट प्लस एक्स डिवाइडेड बाय पाई माइनस ऑफ एक्स हो जाएगा और इंटू में कोसाइन ऑफ माइनस ऑफ एक्स। सो अभी हम डी एक्स को एज इट इज रखते हैं। ओके डी एक्स को हम नहीं कंसिडर करेंगे यहाँ पर बिकॉज वी आर जस्ट टेकिंग द फंक्शन हियर। सो चूंकि ये यदि मैं एल एन ऑफ ऊपर से माइनस एक्स को यानी कि माइनस साइन को कॉमन निकाल तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ एल एन ऑफ पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय पाई प्लस एक्स और कोसाइन इज ऑलरेडी आ इवन फंक्शन तो ये तो कोसाइन ऑफ एक्स हो जाएगा। सो यहाँ पर एफ टू माइनस ऑफ एक्स इज कमिंग अबाउट माइनस ऑफ एफ टू ऑफ एक्स। दिस मीन्स टू से दिस इज एन ऑड फंक्शन एंड इफ इट इज एन ऑड फंक्शन सो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो जीरो के इक्वल होगा। सो फाइनली वी वुड से दैट द रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन आई दिस विल बिकम इक्वल्स टू जो एफ वन ऑफ एक्स है ठीक है यानी कि ये वाला इंटीग्रेशन उसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 एक्स स्क्वायर कोसाइन ऑफ एक्स डी एक्स और प्लस में
और जो सेकंड फंक्शन था वो तो ऑड फंक्शन है, एंड अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट फॉर ऑड फंक्शन द इंटीग्रेशन विल बिकम जीरो, से हो जाएगा जीरो। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यू डॉट वी डी एक्स। सो दिस विल बी इक्वल टू यू कॉमन इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस मी इंटीग्रेशन ऑफ इंटू द ब्रैकेट डी यू बाय डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स आउट ऑफ द ब्रैकेट डी एक्स। सो दिस विल बी इक्वल टू टू इंटू द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर कॉमन इंटीग्रेशन ऑफ कोसाइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन इंटू द ब्रैकेट डी बाय डी एक्स ऑफ स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कोसाइन ऑफ एक्स डी एक्स आउट ऑफ द ब्रैकेट डी एक्स एंड देन फाइनल ब्रैकेट विल बी देयर। सो दिस विल बी इक्वल टू टू इंटू द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ कोसाइन एक्स विल बी साइन ऑफ एक्स माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी ट्वाइस ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कोसाइन एक्स विल बी साइन एक्स एंड आउट ऑफ द ब्रैकेट डी एक्स एंड देन बैक क्लोज। तो यहाँ पर हमने टू एक्स का इस तरीके से निकाला, तो डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला यूज किया है हमने, विच इज इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। ना अगेन हमें इस पार्ट के लिए यू इंटू वी का फॉर्मूला यूज करना होगा। सो द रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन आई वुड बी इक्वल टू इंटू द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर साइन एक्स। ना इफ यू टेक द निगेटिव ऑफ टू विल बी टेकन एज कॉमन एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस एक्स साइन एक्स वो क्या हो जाएगा, उसको हम अनदर ब्रैकेट में। सो यू कॉमन इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ इन साइड ऑफ द ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ एक्स विल बी वन इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स ब्रैकेट क्लोज डी एक्स ब्रैकेट क्लोज एंड देन फाइनल एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। सो दिस विल बी इक्वल टू टू टाइम्स एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस ऑफ टू टू जो फोर इन साइड ऑफ द ब्रैकेट एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन विल बी माइनस कोसाइन एक्स देन माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इन साइड ऑफ द ब्रैकेट। अब ये जो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स वो क्या होगा, माइनस कोसाइन ऑफ एक्स डी एक्स। सो इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं, दिस विल बी गोस टू टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस माइनस विल गेट प्लस फोर एक्स कोसाइन ऑफ एक्स। नाउ दिस माइनस विल बिकम प्लस एंड प्लस माइनस अगेन गोइंग टू बी माइनस। सो फोर मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन ऑफ कोसाइन विल बिकम साइन ऑफ एक्स। एंड नाउ फाइनली वी विल अप्लाई द लिमिट दैट इज जीरो टू पाई। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे दैट इज जीरो टू पाई बाय टू। So now substituting upper and lower limits, the integration I would become equals to 2 multiply by x का square. So x की जगह पर हमारे पास क्या है, pi square divided by 2 का square 4 हो जाएगा into में the first term is sin x, so हो जाएगा sin pi by 2 plus में 4 इंटू पाई बाय टू इंटू कोसाइन ऑफ पाई बाय टू माइनस में टू टू ज फोर इंटू में साइन पाई बाय टू देन माइनस ऑफ द लोअर लिमिट। सो यहाँ पर हमने ऑलरेडी लिमिट सब्सिट्यूट किए, सो ये जो टू है वो इन साइड ऑफ द ब्रैकेट है, यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, सो देन माइनस ऑफ लोअर लिमिट दैट इज जीरो। सो इफ यू पुट जीरो हियर, सो साइन जीरो जीरो होता है, एक्स की जगह पर जीरो रखेंगे तो ये दोनों टर्म भी जीरो होंगे, यानी कि होल टर्म इज गोइंग टू बी जीरो। देन आवर रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन विल बी गोस टू एट साइन पाई बाय टू विल बी वन, सो टू 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 द फोर थ्री आ जाएगा पाई स्क्वायर बाय टू देन प्लस में
कोसाइन पाई बाय टू विल टेंड्स टू जीरो, सो दिस होल टर्म इज गोइंग टू बी जीरो. देन ओनली रिमेनिंग इज व्हाट, माइनस ऑफ 4 इनटू साइन पाई बाय टू विल बी इक्वल्स टू 1. ठीक है, साइन पाई बाय टू विल बी इक्वल्स टू 1. सो यहां पर कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ माइनस, एंड देयरफॉर दिस इज गोइंग टू बी द रिक्वायर्ड आंसर टू आवर क्वेश्चन एज पर द गिवन ऑप्शन. ऑप्शन बी इज करेक्ट, सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.